उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले दो अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 लाख रुपए कीमत की राजस्थान मार्का 50 पेटी शराब, 2352 शराब के पव्वे अवैध शराब बरामद की है। ये लोग लग्जरी कार SX4 से जिले और प्रदेश स्तर पर शराब की तस्करी कर रहे थे। इन्हें किस तरह से गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये अब तक जिले में कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, आइए देखते हैं इस खास खबर को कि क्या है पूरा मामला। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम के द्वारा दो सातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो लग्जरी गाड़ी से राजस्थान से शराब तस्करी कर बिहार ले जाते हैं। इनके कब्जे से 50 पेटी शराब राजस्थान मार्का तथा लग्जरी गाड़ी SX4 बरामद हुई है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।